तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र बालंदिया तालाब संरक्षण को लेकर अब नगर पालिका प्रशासन जागता नजर आ रहा है। सोमवार को वार्ड नंबर 12 बायो सामंदे के पास तालाब की सफाई करते हुए वहीं फैली गंदगी तथा कचरे की साफ सफाई की गई। वहीं देखे तो नगर पालिका SI मुकेश माली व जमादार अमृत कुमार वाल्मीकि टीम द्वारा बबूल की झाड़ियां कटे प्लास्टिक की थैली लील कचरा बाहर निकाला, तालाब स्वच्छ किया गया। मुकेश माली ने बताया कि यह तालाब नगर का सबसे प्राचीन तालाब होने के साथ ही बायोसा मंदिर के सबसे समीप स्थित देशी लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा घरों से निकलने वाले कचरे को फेंकने के साथ ही गंदगी किए जाने से तालाब प्रदूषित हो चुका था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा की साफ सफाई कराए जाने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा स्वच्छता को निर्देशित करते हुए तालाब में फैली गंदगी को साफ कराया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह नगर की अन्य तालाबों को भी जल संरक्षण के लिए साफ सफाई कराया जाएगा। दैनिक दर्पण टुडे न्यूज चैनल ने उठाया था यह मुद्दा। तखतगढ़ नगर के वार्ड संख्या 12 में स्थित बालवीर तालाब की गंदगी को लेकर दैनिक दर्पण टुडे न्यूज चैनल ने खबर प्रकाशित की थी। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका ने नगर के अन्य तालाबों बदहाली पर ही नगर पालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया गया था।